हेलो स्टूडेंट्स वेलकम बैक टू एस एकेडमी तो आज हम फाइनली नाजम चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे बहुत परेशान हो गए ना आप लोग कि फर्स्ट पार्ट भी सेकेंड पार्ट भी इतना लंबा चैप्टर है बट कोई नहीं आज बस हम फटाफट इस चैप्टर को ख़त्म कर देंगे थर्ड पार्ट लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का और देखो यहां तक के दो पार्ट्स में हम ये समझ चुके हैं कि हिटलर ने किस तरीके से जर्मनी को हिला के रखा था उसने क्या क्या परेशान किया था सबको ज्यूज और जिप्सीज की तो नाक में उसने दम कर रखा था और उनको बस वो वहां से भगाने में लगा हुआ था उनको अनडिजायरेबल्स घोषित कर दिया रेशियल यूटोपिया उसने अपना कैसे दिखाया और लास्ट पार्ट में हमने स्टेप्स टू डेथ पढ़े थे कैसे उसने लोगों को मारा और वो कैसे कैसे डेथ के स्टेप्स को उसने कवर किया था तो अब इसमें हम देखेंगे कि आगे हिटलर ने क्या क्या अपने और कर्तव्य दिखाया और आगे उसने अपनी कैसे डिक्टे शिप चलाई और अपनी मर्जी पूरी जर्मनी पे चलाई तो आइए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को देखते रहने के लिए फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर दो आगे बहुत सारी वीडियोस आने वाली है और आप लोगों का सारा कोर्स बहुत ईजी तरीके से समझ आ जाएगा आओ देखो अब ये फर्स्ट में आपको बताऊंगी जो आंसर्स हैं जो लास्ट क्वेश्चंस मैंने आपसे पूछे थे पुरानी वीडियो में इसके लिए जिस जिस को नहीं पता ये क्या है पहले पिछली वीडियो देखो उसमें मैंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे ये उनके आंसर्स हैं और इस वीडियो में भी एंड में ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं बस आप देखते जाइए तो इनका स्क्रीन आप ले लो और फटाफट आप पिछली वीडियो देख के और उससे क्वेश्चन के साथ अपने आंसर्स को मैच कर लो आपको पता चल जाएगा आपको चैप्टर कितना समझ आ गया है आइए स्टार्ट करते हैं यूथ इन नाजी जर्मनी से अब क्या हुआ कि अब हिटलर को यहाँ तक आते आते ये रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अगर अपनी स्ट्रांग नाजी सोसाइटी बनानी है तो मुझे इस स्ट्रांग नाजी सोसाइटी के लिए यूथ स्ट्रांग बनाना पड़ेगा मुझे अपनी सारी आइडियोलॉजी यूथ को सिखानी होगी क्योंकि जिस देश का युवा स्ट्रांग होता है वो देश अपने आप में बहुत स्ट्रांग होता है।, है ना तो इसीलिए अब उसने क्या करना स्टार्ट करा ऐसे स्टेप्स लेने स्टार्ट करे जिन स्टेप्स से उसने यूथ को स्ट्रांग बनाना स्टार्ट करा अपना बेस बनाना स्टार्ट कर दिया इसके लिए उसने क्या क्या कदम उठाए उसने सबसे पहले स्कूल्स को क्लींस्ड uh, कराया और प्योरीफाइड कराया इसका मतलब ये नहीं था कि सफाई करवाई नो no. इसने जियूस जितने भी वहाँ पे लोग थे और जो पॉलिटिकली अनरिलाइबल लोग इसको लगते थे वहाँ से uh, इन सभी लोगों को धक्के मार के बाहर निकाल दिया गया इनफैक्ट बच्चों को सेग्रीगेट कर दिया गया साथ में बैठना तो बहुत दूर की बात है वो लोग साथ में खेल भी नहीं सकते थे वो एक स्कूल में ज़रूर थे बट देवर सेग्रीगेटेड वो कुछ भी काम साथ में नहीं कर सकते थे धीरे धीरे करके इसने जीव जो फिज़िकली हैंडी थे जिप्सी सबको स्कूल से निकाल दिया इनफैक्ट बच्चों को ही नहीं जो टीचर्स ऐसे थे उन टीचर्स को भी वहां से निकाल दिया गया और नाइनटीन में तो हद्दी कर दी उन्हें गैस चैम्बर ही भेज दिया बस इसने वो जो स्कूल वहां पर बनाए रखने थे वो गुड जर्मन के लिए बनाए रखने थे और किसी को स्कूल में एंट्री नहीं देनी थी अब गुड जर्मन के लिए इसने क्या क्या स्टेप उठाए जो स्कूल टेक्स्ट बुक्स थी उनको वापस से लिखवाया उनको रीराइट करवाया और अपने हिसाब से उसमें सब्जेक्ट्स डलवाए एक स्टेप सब्जेक्ट जो ऐड हुआ उसमें वो था रेशियल साइंस रेशियल साइंस इसीलिए ऐड करवाया ताकि सारे जो नाजी बच्चे हैं

जम के प्रति लॉयल कहलाएंगे इन्होंने धीरे धीरे भाई साहब ने वॉयेंट स्पोर्ट्स को भी प्रमोट करना स्टार्ट कर दिया और एक स्पोर्ट था जैसे कि बॉक्सिंग जिसको बहुत ज़्यादा प्रमोट किया बच्चों को स्पेशली बॉयज को ये सिखाया गया कि आपको आयरन हार्टेड बनना है मैस्कुलाइन स्ट्रेंथ के लिए बहुत इसने कुछ स्टेप्स उठाए क्योंकि ये चाहता था कि लड़के जितने भी बिकॉज खुद इसके मन में ऐसे स्टीरो थे ना कि लड़के ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं तो ये चाहता था कि लड़कों को मैं आगे करूँ और अपनी मैस्कुलाइन स्ट्रेंथ बढ़ाऊँ तो इसके लिए बहुत सारे स्टेप्स इसने किए उनमें एक स्टेप ऐसा था कि यूथ ऑर्गेनाइजेशन बनानी स्टार्ट कर दी जो जर्मन यूथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे और उनको सिखाएंगे कि नेशनल सोशलिज्म का हमारा क्या स्पिरिट है नेशनल सोशलिज्म का मतलब यही है कि भाई आपको नाजिज्म के लिए लॉयल रहना है तो इसके लिए इन्होंने कुछ कुछ अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन बना दी उसमें जो दस साल के बॉयज़ थे उन्हें जंग वोक ऑर्गेनाइजेशन ये सब सिखाती है उनको जंग वोक को ज्वाइन करना है फोर्टीन ईयर्स के बॉयज़ को ज्वाइन करना है नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन को नाजी यूथ ऑर्गेनाइजेशन वॉज लेटर ऑन रीनेम्ड टू हिटलर यूथ एटीन ईयर्स का जो भी लड़का हो जाता है उसको लेबर सर्विसेज को ज्वाइन करना है और अट्ठारह साल के होने के बाद तो भाई साहब आपके पास कोई चॉइस ही नहीं है चुपचाप आर्मी ज्वाइन करो और आर्मी को सर्व करो और नाजी ऑर्गेनाइजेशन आप जो है बचाओ और इसको आगे बढ़ाओ एक और नाजी ऑर्गेनाइजेशन इसने बनाई यूथ लीग ऑफ नाजी 1922 में ये बनाई थी और चार साल बाद ही इसने इसका नाम चेंज करके हिटलर्स यूथ रख लिया क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ऑब्सेस था ना अपने आप से आपसे लगता था कोई मेरे से छीन ना ले इसलिए हिटलर्स यूथ रख दिया तब अब तो पता चल गया भाई हिटलर का यूथ है ठीक है अब ये जो हिटलर्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन थी इसका एम क्या था इसका एम था कि जितना भी यूथ है उन सबको यूनिफाई किया जा सके कोई भी जितनी पुरानी ऑर्गेनाइजेशंस थी यूथ के लिए उन सबको डिसॉल्व कर दिया कि अब कोई भी और नई ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगी हिटलर्स यूथ है यही ऑर्गेनाइजेशन चलेगी इसी में

इनसे जितनी नफरत हो सके उतनी नफरत करो ये सब करते करते हिटलर ने धीरे धीरे जो थे, उनके लिए, लिए जगह ही नहीं बची और उसने उन लोगों को बिल्कुल दूर कर दिया सोसाइटी से अब नाउ हमने ये देख लिया कि हिटलर ने कैसे मैस्कलाइन स्ट्रेंथ को बढ़ाने की कोशिश करी बच्चों को कैसे कैसे स्पोर्ट्स सिखाए जिसकी वजह से वो आगे बढ़े आर्मी में जाए ज्यादा से ज्यादा मेल्स बच्चों को आगे करा आर्मी में उनको भर्ती करवाया ताकि वो अपनी स्ट्रेंथ अपनी ताकत बढ़ा सके। ये करते करते अब हिटलर ने अपना दाव चलाया मदरहुड पे क्योंकि अब उसने अपना न्यू तरीका दिखाया मदरहुड का और उसमें उसने क्या करा वो ये चाहता था कि जो डिजायरेबल बच्चे हैं वो बढ़ते रहें वो मल्टीप्लाई हों और जीविश बच्चे जो है ना वो तो चाहता था कि वो मर ही जाएँ जान से वो वहाँ पर बचे ही ना ये उसकी पॉलिसी थी और इनफैक्ट यही सब करने के लिए तो वो उनको भेज देता था गैस फैक्ट्रीज़ में तो अब उसने यहाँ पर क्या करना स्टार्ट करा वो ये कहता था कि भाई मेरे को बच्चे चाहिए नाजी सोसाइटी में और उसने बच्चों को ये सिखाना स्टार्ट करा कि जो वुमेन और मेन होते हैं ना ये डिफरेंट होते हैं इनका कोई आपस में लेना देना नहीं होता होता क्योंकि बॉयज जो होते हैं वो एग्रेसिव होते हैं और स्टील हार्टेड होते हैं तो यही कह कह के, के उसने वहाँ पे लड़कों को और स्ट्रांग होना सिखाया और लड़कियों को क्या बोला कि देखो आपका काम यही है आपको गुड मदर्स बनना है आपको प्योर ब्लडेड आर्यन चिल्ड्रन को पैदा करना है आपको अपनी रेस की प्योरिटी को मेंटेन करना है मतलब अपनी रेस से बाहर आपको कुछ गलत काम नहीं करना है किसी और मेल के साथ इंडल्ज नहीं होना है आपको जीव से नफ़रत करनी है उनके साथ कभी नहीं मिलना है अपने घर की देखभाल करो और अपने बच्चों को नाजी वैल्यूज़ को शिक्षा दो बस आपका यही काम है बिकॉज़ यू आर अ गर्ल तो आपको यही सब करना है और

क्या करता था वो उसके अकॉर्डिंगली जो औरत उसके हिसाब से जो रेशियली डिज़ायरेबल बच्चा है उसे बर्थ दे देती दे थी उसको तो वो अवार्ड देता था बहुत इंकरेज करता था और अगर कोई औरत ऐसी है जिसने रेशियली अनडिज़ायरेबल बच्चे को बर्थ दे दिया है तो भाई साहब वो उसे पनिश करता था अब इसमें औरत की क्या गलती है यहाँ तो कोई बिल्कुल बेसलेस बात है ये ऐसा ही हिटलर ने किया हिटलर अपनी नाजिर सोसाइटी में चाहता था कि मुझे अपनी सोसाइटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यहाँ पर आर्यन बच्चे चाहिए तो जितनी भी आर्यन मदर्स थी उन सबको उसने ये बात कह दी

क्या किया उसका एक सिस्टम था जिसमें वो औरतों को अवार्ड देता था अगर वो उसके हिसाब से रेशली डिजायरेबल बच्चे को बर्थ देती है तो यहाँ तक कि हिटलर ने ये भी बोला था हिटलर की एक ये स्टेटमेंट भी थी कि मेरे लिए मेरी सोसाइटी में औरतें बहुत ज़्यादा जरूरी हैं पर आप देखो उसने कितने कॉन्ट्रोडिक्टी वर्क किए जिसके हिसाब से हम समझ सकते हैं कि ऐसा कुछ नहीं था उसने उन औरतों को अवार्ड दिया जो उसके हिसाब से रेशली डिजायरेबल बच्चों को पैदा करती थी उन्हें एनकरेज किया जो भी कोई औरत ऐसे चार बच्चे पैदा करेगी उसे ब्रॉन्स क्रॉस मिलेगा जो ऐसे छः पैदा करेगी उसे सिल्वर क्रॉस मिलेगा आठ या आठ से ज्यादा ऐसे बच्चे पैदा करने वाली औरत को गोल्ड क्रॉस मिलेगा वाओ और उन्हें हॉस्पिटल्स में भी वाह फर्स्ट क्लास ट्रीटमेंट दिया जाता था इतने अच्छे से उनको फेवरेबल ट्रीटमेंट कंसेशन भी दिया जाता था ये सब हिटलर की स्ट्रेटेजी थी आर्यन रेस को आगे बढ़ाने के लिए ये सब स्टेप्स उसने उठाए अब यहाँ पे एक नया ट्विस्ट आया आर्ट ऑफ प्रोपोज प्रोपोगेंडा प्रोपोगेंडा का मतलब होता है कि किस तरीके से हिटलर पब्लिक ओपिनियन को लोगों की समझ को उनके आइडियाज को चेंज कर पाया अपना आइडिया उनके ऊपर कैसे थोप पाया ये है इसका मतलब अब इस सारे आइडिया को करने के लिए इस प्रोपोगेंडा को पूरा साबित करने के लिए हिटलर के साथ कोई तो और होगा अकेला बंदा तो इतना सब कुछ कर नहीं सकता तो इस प्रोपोगेंडा में हिटलर के साथ एक मिनिस्टर था उसका एंड दैट मिनिस्टर वाज जोसेफ गोबल्स उसने सारी मदद करी हिटलर की ये फॉर वन मार्क क्वेश्चन है आपको ध्यान रखना है अब क्या हुआ उसने ये बोला यहां पे हिटलर ने समझदारी दिखाई प्रोपोगंडा उसका यह था कि वो कभी भी किल और मर्डर जैसे वर्ड्स को यूज नहीं करता था मीडिया के सामने बहुत ही बारीकी से वो शब्दों का इस्तेमाल करता था कि कहीं कोई उसे ऐसा ना समझ सके कि वो लोगों का मर्डर करता है मास किलिंग के लिए वो क्या क्या वर्ड यूज करता था स्पेशल ट्रीटमेंट फाइनल सोल्यूशन यूथेशिया सिलेक्शन डिस जिन वर्ड्स को सुन के लोगों को ये लगेगा कि कहीं की सफाई की जा रही है उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ से लोगों की सफाई की जा रही है अब धीरे धीरे वो जब लोगों को गैस चैम्बर्स में भेजना होता था तो वहां पर वो कहता था वो वर्ड यूज करता था इवैक टू डिस मतलब इन्हें वहाँ पे भेज दीजिए ऐसा लगेगा सुन के कि भाई मतलब कहीं पे सफाई के लिए लोगों को भेजा जा रहा है इनफैक्ट वो जो एरियाज थे वो एरियाज भी ऐसे बनाए हुए थे कि लोगों को धोखा दिया जा सके अच्छे से वहाँ पे बाथरूम्स बने हुए थे और वहाँ पे फेक शार्स भी लगाए गए थे कि लोगों को देख के लगे कि ये तो बाथरूम है लोग पागल बन जाए ऐसा इतना स्मार्ट खिलाड़ी था वो उसने नाजी आइडियाज़ को धीरे धीरे स्प्रेड करा अपने आइडियाज़ को स्लोगन से पोस्टर्स से इमेज से स्प्रेड करा इन पोस्टर्स में वो ये भी दिखाता था कि किस तरीके से हमारे दुश्मन हैं जीव उन्हें इवल दिखाता था अपने स्टीरियोटाइप को वहाँ पे पूरा दिखाने की कोशिश करता था यह भी कहता था कि सोशलिस्ट और लिबरल्स जितने भी हैं वो सब वीक हैं और उनकी चीज़ों के ऊपर अटैक करता था उन्हें करप्ट बोलता था डिसऑनरेबल बोलता था उन्हें मैलिशियस बोलता था अपने आप को ऊपर दिखाने के लिए ऊंचा दिखाने के लिए बाकी सबको डिग्रेड करता था तो उसके प्रोपोगडा में फिल्म भी बननी स्टार्ट हुई इन फिल्म में भी ये दिखाया गया कि कैसे जीव उसकी नफरत करनी है मोस्ट इन फेमस फिल्म वॉज दी एटर्नल जीव ऑर्थोडॉक्स जीव वाली जो उसने स्टीरियोटाइप अपने दिमाग में बनाई हुई थी उसको ही उसने आगे बढ़ाया और इनफैक्ट उनकी अपियरेंस को भी नहीं छोड़ा बोला कि जो जीव होते हैं ना वो बड़ी बड़ी बियर्ड्स वाले होते हैं और काफ्तान्स पहनते हैं रियालिटी बिल्कुल अलग थी अगर उन्हें देखा जाए तो वो ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे उसने इनफैक्ट जीव के साथ जो बर्ताव करा वो चूहों जैसा पेस्ट के साथ जैसे मारा जाता है उनके साथ जैसा बर्ताव किया जाता है वो बर्ताव किया उनको उनसे कंपेयर किया लोगों के इमोशंस के साथ खिलवाड़ करा लोगों की फीलिंग्स को डाइवर्ट करके हेटरेड और एंगर की तरफ भड़का दिया कि अब लोग ज्यूस से कुछ करें तो सिर्फ नफ़रत करें पर उसे अपने लिए भी डर लगता था उसे लगता था कि सब लोग मुझे वोट देंगे कि नहीं देंगे मैं आगे यहाँ पे खड़ा रह पाऊंगा या नहीं अलग अलग सोसाइटी के सेक्शन्स में जाता था और अपने लिए अपील करता था ये बोलता था कि हिटलर हूँ मैं मैं फ्रंट लाइन सोल्जर हूँ मुझे ही

तरह देखते थे कि ये तो गंदे लोग हैं और वो नाजिजम में विश्वास करने लगे थे यही सोचते थे कि नाजिजम ही पे प्रॉस्पेरिटी लेके आएगा हमारा सबका वेलबींग नाजिजम ही सुधारेगा बट एवरी जर्मन वॉज नॉट अ नाजी supporter. हर जर्मन नाजी बन के खुश नहीं था कुछ ऐसे जर्मन्स भी थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा एक्टिवली पार्टिसिपेट करा और उन्होंने नाजी के ख़िलाफ़ बोला उन्होंने पुलिस वालों की मार भी सही और डेथ तक भी चले गए इसमें से ही एक इंसान ऐसा था जो था पेस्टर मीमोलर उसने क्या किया उसने बहुत ही अच्छा फाइटर वो बना और उसने सामने आकर बहुत लड़ाई करी उसने सब जगह प्रोटेस्ट करी इनफैक्ट उसने नाजिजम के खिलाफ बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया लोगों को कि आगे बढ़ो बट मेजोरिटी ऑफ लोग जो थे वहाँ पे वो थे पैसिव ऑन लुकर्स वो वहाँ खड़े होकर देखते थे और विटनेस करते थे बट वो साइलेंस रहते थे वो कुछ बोलते नहीं थे सामने नहीं आते थे क्योंकि वो डरते थे कि कहीं जैसा बर्ताव जी उसके साथ हुआ वैसा बर्ताव हमारे साथ ना हो जाए लोगों ने अपनी यही सारी फीलिंग्स जो हैं एक बुक में भी लिखी जिस बुक का नाम था द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स तो इस तरीके से लोगों ने धीरे 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 अपने आइडियाज़ को सब तक फैलाने की कोशिश करी नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर फाइनली होलोकॉस्ट होलोकॉस्ट का क्या मतलब होता है अब ये जो बुक लिखी गई द थर्ड रीच ऑफ ड्रीम्स इसमें जियोज़ ने अपनी सारी स्टोरी बताई कि हमने कितनी दर्दनाक चीज़ें झेली हैं नाजी प्रैक्टिस में पूरी जर्मनी में इनफैक्ट जर्मनी के बाहर सब जगह पता चल गया कि इसने पता चल गया कि यहां के लोगों ने क्या क्या सही है चाहते थे कि हमारी, जो फीलिंग्स है, हमारी फीलिंग्स को पूरी दुनिया याद रखें सब तक फैलाया जाए इसीलिए उन्होंने अपनी अट्रोसिटीज को सब जगह फैलाया और नाजी किलिंग ऑपरेशन को सब जगह बताया ये जो नाजी किलिंग ऑपरेशन होते हैं इन्हें जर्मन सोसाइटी में होलोकॉस्ट का नाम दिया गया अब जो थे उन्होंने इतने डिस्प्रेशन से अपनी फीलिंग

होलोकॉस्ट जो अच्छा करता है वो उसके साथ मतलब अच्छा होता है जो बुरा करता है उसके साथ बुरा होता है ऐसा ही हिटलर के साथ भी हुआ उसने अपनी बुराइयां छुपाने की कोशिश करी बट पेट्रोल उसकी बुराइयां छुपा नहीं पाया ये सारी चीज़ें जो थी ये सारी मेमोरीज जो थी ये अलग अलग जगह की कंट्री के कोनों में फैल गई पोइट्रीज़ के थ्रू डॉक्यूमेंट्रीज़ के थ्रू लोगों तक फैल गई और ये सारी बातें सब जगह इन कंप्लीट वर्ल्ड पता चल गई कि हिटलर ने क्या कारनामे किए हैं लोगों को उसने कैसे परेशान किया है लोगों ने उसके राज में क्या क्या प्रॉब्लम सही हैं कितने अत्याचार सहे हैं मदर्स ने स्टूडेंट्स ने बच्चों ने वहां पे, ने, जिप्सीज ने, कैसा जानवरों जैसा बर्ताव उसने उन ने है मिलते हैं कुछ क्वेश्चन फटाफट से आंसर कीजिए ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को चैप्टर कितना समझ में आया है आइए देखिए फर्स्ट क्वेश्चन इज ईयर ओल्ड बॉयज फोर्टीन ईयर ओल्ड बॉयज फिफ्टीन ईयर ओल्ड बॉयज़ या फिर एटीन ईयर ओल्ड बॉयज फटाफट से फ्लैश बैक में जाओ वो डोरेमोन वाली मशीन से और जल्दी से आंसर दो मुझे कमेंट बॉक्स में नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अ ब्रॉन्स अक्रॉस वॉज अवॉर्डेड टू द वुमेन हु प्रोड्यूस्ड टू चिल्ड्रन फोर चिल्ड्रन सिक्स चिल्ड्रन और एट चिल्ड्रन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गेम डिड हिटलर ग्लोरीफाई कौन सी गेम को उसने बढ़ावा दिया था हॉकी बॉक्सिंग क्रिकेट आइस स्केटिंग And the last question is in context of Germany what was holocaust Nazi propaganda Nazi honor crosses Nazi killing operations a Nazi school तो आई होप आप सबको ये चैप्टर क्लियर हो गया हूँ अभी और वीडियोस आएंगी चैप्टर की इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आएंगे आप लोगों के लिए क्विजेस भी आएंगी तो बी रेडी फटाफट से चैप्टर को सुनो पूरा प्रिपेयर करो कोई डाउट्स हो तो कमेंट सेक्शन में आओ जल्दी से डाउट्स पूछो और इन क्वेश्चंस के आंसर फटाफट दो ताकि मैं समझ सकूं कि आप लोगों को कितना समझ में आया है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स